Hey everyone, welcome back to the Hirde batch of Radia classes. So, आज हम discuss करने वाले about the cyclotron. Cyclotron के device है, वो मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ. Cyclotron का काम क्या और वो कैसे काम करती है, उसकी application क्या, उसकी limitation क्या, ये सब कुछ discuss करने वाले और उसके साथ साथ कुछ एक numericals भी discuss करेंगे. तो यार फटाफट से आ जाओ, एक बार live chat में जुड़ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है. आज सिर्फ फिजिक्स की क्लास थी, आज कोई मैथ्स की क्लास नहीं थी और आज सिर्फ हम फिजिक्स पढ़ने वाले. कुछ एक रीजन की वजह से मैं मैथ्स की क्लास नहीं ले पाया, तो आज सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले और फिजिक्स की क्लास में बहुत मजा आने वाला है. टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन. क्या आपने कभी सुना है साइक्लोट्रॉन क्या होता है? ये वो साइकिल पे चलने वाला ट्रॉन नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा तेज, बहुत ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करने वाला साइक्लोट्रॉन है. तो यार फटाफट से जुड़ो एक बार लाइव चैट में. गुड न्यूज फॉर ऑल, राहुल सर विल टेक द लाइव क्लासेस. अच्छा ऐसा है क्या, चलो कर ली होगी तुमने बात यार, बहुत बढ़िया राहुल सर से. तो यार साइक्लोट्रॉन की बात करता हूं. साइक्लोट्रॉन होता क्या है? साइक्लोट्रॉन होता क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इनको एक्सेलेट कराने के काम आता है. सो दैट ये हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करें. और कैसे गेन करेंगे? इसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार घुमाएगा. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना. सर इतने दिन से कहां थे भाई, मैं तो रोज लेक्चर ले रहा हूं. कल मैथ्स का लेक्चर लिया था, परसों भी फिजिक्स का लेक्चर लिया था, क्या हो गया तुम्हारे को? हाँ सुनो, साइक्लोन नहीं सुनना था, साइक्लोट्रॉन सुनना था. इट इज अ डिवाइस, ध्यान से सुनना क्या है. इट इज अ डिवाइस यूज टू एक्सेलेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. कौन से चार्ज पार्टिकल? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेट कराना है. अब ये नेगेटिव को एक्सेलेट नहीं करते. क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या सर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेट नहीं कराता क्या? हाँ नहीं कराता. क्यों नहीं कराता? उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा. ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेट नहीं कराता, ये प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन जैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेट कराता है. इट इज यूज्ड टू एक्सेलेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन. ऐसा क्यों कराया जा रहा है? सो दैट दे कैन गेन हाई काइनेटिक एनर्जी. सो एज टू गेन हाई काइनेटिक एनर्जी. उनको हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कराने के लिए कर रहे थे. एंड दिस कैन बी डन हम कैसे कर सकते हैं? दिस कैन बी डन बाय रिवॉल्विंग. हम एक इलेक्ट्रॉन को या पार्टिकल को बार बार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में घुमा के ऐसा कर सकते हैं, उनकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, उनको एक्सेलेट कर सकते हैं. 46K हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. 46K सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे पास, 46K सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं. ठीक है, लिख लेना. दिस कैन बी डन बाय मूविंग द चार्ज इन electric and magnetic field again and again. ये कैसे मूव किया जाएगा ये मैं आपको बताने वाला हूं. इस डिवाइस का कंस्ट्रक्शन बताने वाला हूं, बहुत जल्दी से बताने वाला हूं. इतना पता चल गया ना, जल्दी से लाइव चैट में बताओ, क्या ये पता चल गया कौन से पार्टिकल को एक्सेलेट करते हैं, कौन से पार्टिकल को ये एक्सेलेट करेगा, कौन से पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाएगा? मान लो एक इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से मूव कर रहा है, मैंने उसकी स्पीड को बढ़ाना है, तो मैं साइक्लोट्रॉन का यूज करके उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकता. तो मुझे अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी स्पीड को बढ़ाना है. सो दैट दे विल गेन हाई काइनेटिक एनर्जी. तो मुझे क्या लगेगा? साइक्लोट्रॉन लगेगा. तो मुझे क्या लगेगा? साइक्लोट्रॉन लगेगा. ठीक है, चलिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन में चलता हूं. अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलो. कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले लगेंगे ये मैग्नेट. यहां पर क्या लगेगा? एक नॉर्थ पोल लगेगा और ये पोल्स ऑफ मैग्नेट होंगे. यहां पे क्या लगेगा? साउथ पोल लगेगा. इधर क्या होगा? साउथ पोल लगेगा. और उसके बाद ये दो होलो डीज लगेंगी. इस टाइप से होलो डीज लगानी है आपने. यहां पे होलो डीज लगानी है, खाली डीज की तरह, डी शेप में ये खाली स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है. ये एक दूसरी होलो डी है, इस तरफ से ये दूसरा होलो डी है, यहां पे खाली डी पड़ा हुआ है. ठीक है, डी शेप के अंदर से खाली है, डी शेप के अंदर से खाली है. इतनी बात क्लियर है? डी शेप के अंदर से खाली है और यहां पे मैग्नेट रखे हुए हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस टाइप से पड़ा हुआ है. ये डेफिनेशन आप नोट रखिएगा, मैं इसकी कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं. ये D1D है और इस D का नाम क्या रखा? D2. और इसको कनेक्ट करेंगे किससे? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से. दीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर.
इनको हमने किससे कनेक्ट करना है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। चलिए इन डी को किससे कनेक्ट किया जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, दिस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एक अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है, एक अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है। ठीक है, वाई डी शेप ये बता देते हैं, ये डी शेप की क्यों है ये भी बताया जाएगा आपको। सिर्फ अभी फिलहाल के लिए क्या ध्यान रखना है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन बनाई उसके अंदर ध्यान रखो, ये मैग्नेट के पीसेज होंगे, ये मैग्नेट के पीसेज होंगे, बीच में दो डी शेप की स्ट्रक्चर होंगी, और ये डी शेप की स्ट्रक्चर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, किससे कनेक्ट किया जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया जाएगा। किसका क्या काम है ये मैं आपको बताने वाला हूं, किसका क्या काम है ये मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इसका क्या काम है ये आपको बताया जाएगा। अब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इसके बीच में रखा जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इसके बीच में रखा जाएगा, और जैसे ही इसके बीच में रखूंगा, देखो जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनको कंस्ट्रक्शन लिखनी आ सकती है, स्टेट वर्किंग प्रिंसिपल और ये सब कुछ हमने इसके अंदर मेंशन करना है, क्या साइक्लोट्रॉन होता है, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, क्या उसकी थ्योरी होती है, क्या उसकी वर्किंग है, ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको डिटेल में मेंशन करके लिख के आओगे अपने एग्जाम में, अगर आप स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो, क्योंकि सीबीएसई वालों को ये कुछ लिखना नहीं है, सीबीएसई वालों को मेंशन नहीं करना तो उनकी मौज है, उनके लिए मस्ती है, बस क्या करो, बस इसको समझ लो, इसका फॉर्मूला याद कर लो, बढ़िया से समझ आ जाएगा, इसका फॉर्मूला याद कर लो, बढ़िया से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने इसके बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा और इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को ऑन कर दिया, इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को ऑन कर दिया, क्या देखा, इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से, देखो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब होता है एसी सप्लाई, इसमें एसी सप्लाई आ रही है जो अपनी वैल्यू को कंटिन्यूअसली चेंज करती रहेगी, जो अपनी वैल्यू को कंटिन्यूअसली चेंज करती रहेगी। सपोज पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, एंड ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वाला, देखो एक सिंपल सी बात है, ये हाई जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ना, ये आपकी अल्टरनेटिंग फील्ड क्रिएट करेगा, अल्टरनेटिंग फील्ड मतलब चेंजिंग फील्ड, बहुत ध्यान से सुनना, पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, चेंजिंग फील्ड का मतलब क्या है, यहां पे मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया, इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने इसके बीच में दो डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करनी थी, दो डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करनी थी, जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ऑन करा, अब मैं वर्किंग की तरफ चल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये वर्किंग की तरफ चल रहा हूं, पहले वर्किंग लिखवा देता हूं आपको, वर्किंग ध्यान से सुनना, एज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, सॉरी अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन द डी इज प्लेस्ड सॉरी अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन द डीज, इसको डीज के बीच में रख दिया, एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ये क्या करेगा, मेक, इसका काम क्या होगा, इट विल मेक डी वन पॉजिटिव, अभी फिलहाल के लिए इनिशियली ये डी वन को पॉजिटिव रखेगा, एंड डी टू नेगेटिव, एंड डी टू नेगेटिव, एंड डी टू नेगेटिव। एक बात बताओ फटाफट से, अभी मैंने इसको ऑन करा, इसको ऑन करने के बाद क्या हुआ, डी वन पॉजिटिव था और डी टू नेगेटिव बन गया, और डी टू नेगेटिव बन गया, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बीच में रखा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ एक्सेलेट होगा। देखो मान लो मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इधर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख दी और इधर नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख दी, तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ दौड़ना शुरू हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ दौड़ना शुरू हो जाएगा। जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से एक बार बता दो, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ ये किस तरफ मूव करेगा, ये किस तरफ मूव करेगा, डी शेप स्ट्रक्चर जो है वो कंडक्टर है, दिस इज अ होलो कंडक्टर, ये एक होलो कंडक्टर है, ये खाली कंडक्टर है, ये खाली कंडक्टर है, किस तरफ मूव करेगा, D2 की तरफ, बहुत बढ़िया बात, किस तरफ मूव करेगा, D2 की तरफ, ये जैसे ही अंदर जाएगा, जैसे ही अंदर जाएगा इस तरफ एक्सेलेरेट होके गया, अपनी स्पीड को बढ़ा के गया, जैसे ही अपनी स्पीड को बढ़ा के गया होलो कंडक्टर के अंदर पहुंचा, होलो कंडक्टर के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इस प्लेन में मूव कर रहा था, इसके ऊपर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी, और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसके पाथ को कैसा बना देगी, सर्कुलर, और ये सर्कुलर पाथ से घूम के क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, सर्कुलर पाथ में घूम के क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ध्यान से सुनना, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्लेस इन बिटवीन द डीज एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मेक डी वन पॉजिटिव एंड डी टू नेगेटिव, एंड डी टू नेगेटिव, एंड चार्ज इज एक्सेलेरेटेड, एंड चार्ज इज एक्सेलेरेटेड टुवर्ड्स डी टू, एंड चार्ज इज एक्सेलेरेटेड टुवर्ड्स डी टू, ये किस तरफ एक्सेलेरेट हो जाएगा, डी टू की तरफ,
ये किस तरफ एक्सेलेरेट हो जाएगा, डी टू की तरफ। जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगा, अंदर जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है खाली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि पता है खाली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। एज सून एज द पार्टिकल एंटर डी टू, एज द पार्टिकल एंटर डी टू, जैसे ही ये डी टू के अंदर एंटर करेगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकम जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मेक द पाथ सर्कुलर, एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, मेक्स द चार्ज, मेक्स द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर। ठीक है भाई, थोड़ा सा देख लो, आज गले में वैसी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्योंकि यार सारा दिन बोलने के बाद थोड़ा सा गला खराब हो ही जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूंगा मैं। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्लेस इन बिटवीन द डीज, एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मेक डी वन पॉजिटिव एंड डी टू नेगेटिव। अ चार्ज इज एक्सेलेटेड टुवर्ड्स डी टू, ये डी टू की तरफ जाएगा। एज द पार्टिकल एंटर डी टू, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो, अंदर जाती इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, मूव इन अ सर्कुलर पाथ, वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करा देगा। जल्दी से एक बार लाइव चैट में बता दो, क्या इतनी पॉइंट क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद जल्दी से फिर आगे बताता हूं, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताओ एक बार। जैसे ही मैंने चार्ज पार्टिकल को बीच में रखा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने डी वन को पॉजिटिव कर दिया और डी टू को नेगेटिव कर दिया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का इस तरफ एक्सेलेरेट हो जाएगा, ये इस तरफ एक्सेलेरेट हो जाएगा, और जैसे ही अंदर जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, सिर्फ परपेंडिकुलर फील्ड बची है, और ये परपेंडिकुलर फील्ड इसको घुमा के वापस ले आएगी, और ये परपेंडिकुलर फील्ड इसको घुमा के वापस ले आएगी। ठीक है, अब ये आपको क्या बता रखा है, दिस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जैसे ही चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा ये अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा। आपको यही बताया था ना भाई, हमारे पास इस टाइप से ये चेंज होता रहेगा, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। इसका मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, या सॉरी जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और अब ये जो डी वन था ये नेगेटिव बन जाएगा, डी वन नेगेटिव बन जाएगा, और डी टू क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। नाउ डी वन विल बिकम नेगेटिव, डी टू विल बिकम पॉजिटिव, ये इसकी तरफ एक्सेलेरेट होगा, अंदर फिर सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और अब उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलेरेट हो चुका है, क्योंकि ये एक्सेलेरेट हो चुका है, क्योंकि ये एक्सेलेरेट हो चुका है। ठीक है, और भाई जो ये चेंज बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, प्लीज यार ऐसे मत करो, आज वैसे ही थोड़ा सा गला खराब है, ऐसी मैं अपने एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा हूं, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो फिर मेरे को वीडियो छोड़ के जाना पड़ेगा बीच में, सॉरी फॉर दिस। अब बहुत बढ़िया चल रहा है, हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं यार, बढ़िया बैकग्राउंड दिख रहा है, सब कुछ विजिबल है, मुझे साफ साफ दिख रहा है यहां से, तो प्लीज ऐसे मत बोलो। प्रांजल मिश्रा, कुछ हो जाएगा क्या, आपको ना दिख रहा हो तो बात भी है यार, अभी भी तुम्हारे को यही ड्रामे है ना भी, इसके अंदर सर ने मतलब इतने पैसे लगाने के बाद भी तुम ये कहते हो चेंज बैकग्राउंड, चेंज बैकग्राउंड, इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बताओ। हाँ, इनका तो रोज का है। चलो भी देखो जरा, जैसे ही मैंने इसको यहां पे रखा, इसने इसको D1 को नेगेटिव बनाया, D2 को पॉजिटिव बनाया, ये D1 की तरफ जाएगा, अंदर जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, सिर्फ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। और यार बहुत दिनों से बातें कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ना चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा देती है, सर्कुलर पाथ में घुमा के वापस ले आएगी, और जैसे ही सर्कुलर पाथ में घुमा के वापस लाएगी, इतने में डीज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और डीज की पोलैरिटी कौन चेंज करेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा, डीज की पोलैरिटी को चेंज करेगा, इसको नेगेटिव कर देगा और इसको पॉजिटिव कर देगा। अब ये इस तरफ एक्सेलेरेट होगा और इसका रेडियस बढ़ जाएगा, और जैसे ही अंदर जाएगा इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, फिर घूम के वापस, फिर जब ये वापस आएगा, इतने में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या कर देगा, दोबारा से इसकी पोलैरिटी चेंज कर देगा। अब फिर ये किस तरफ जाएगा, इसकी तरफ, फिर रेडियस बढ़ेगा, फिर ऐसा इंक्रीजिंग रेडियस में ये रेडियस एकदम इंक्रीज होता जाएगा, और ये फाइनली यहां से एक विंडो होगी, विंडो से निकलने के बाद इस टारगेट को हिट कर देगा, विंडो से निकलने के बाद इस टारगेट को हिट कर देगा।
जो हमारा टारगेट होगा, जहां पे हमारे को एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल चाहिए होगा, जहां पे हमारे को एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल चाहिए होगा। इतनी बात समझ रहे हो? मैं यहां पे बना के दिखाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। यहां पे बना के दिखाता हूं, इस टाइप से दो डी शेप की हमारे पास बनी हुई थी, ये दो डी शेप बनी हुई थी हमारे पास, एक ये डी शेप थी और एक दूसरी डी शेप थी, ये दूसरी डी शेप थी। ऐसा करते हैं, अगले पेज पे बनाते हैं, फटाफट से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो, आगे लिखवाता हूं, जल्दी से इसको नोट करो। ये हमारा साइक्लोट्रॉन हो चुका है। साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है? चार्ज पार्टिकल को बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में घुमा के इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कराना, ताकि वो जब टारगेट को हिट करे, जब उसके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो, तब उसके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो। ठीक है, जल्दी करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी से एक बार नोट कर लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलो अब इसके बाद ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये साइक्लोट्रॉन आपको आना चाहिए। ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसकी वर्किंग आपको लिखवा देते हैं दोबारा से एक बार। क्या बोला? जैसी मैं चार्ज पार्टिकल को रखूंगा, ये जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, ये डी टू को नेगेटिव बनाएगा, डी टू को नेगेटिव बनाएगा और डी वन को पॉजिटिव बनाएगा। ये किस तरफ जाएगा? इसकी तरफ। जैसी अंदर घुसेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसके पाथ को क्या बनाएगी? सर्कुलर। सर्कुलर बना के वापस घुमा लेगी, और जैसे ही वापस आएगा पोलैरिटी चेंज मिलेगी, पोलैरिटी चेंज मिलेगी, दूसरे की तरफ एक्सेलेरेट होगा, अपने रेडियस को बढ़ा के फिर दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर जैसे ही बाहर आएगा फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर घूम के वापस ऐसे कंटीन्यूअसली घूमता हुआ इस होल से निकल के टारगेट को हिट कर देगा। ठीक है, जल्दी से बता दो, तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल सी बातें इसके अंदर करनी है। इसकी लिमिटेशन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट क्यों नहीं करता? और दूसरा एक और लिमिटेशन है इसकी, मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी लिमिटेशन है, ध्यान से सुनना। अब क्या बोल रहा हूं इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या हुआ, एक डायग्राम और बना रहा हूं, वो देखना इसके अंदर। यहां पे कुछ इसका ऊपर से फ्रंट टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दो डीज दिखेंगी आपको, इसके बीच में चार्ज पार्टिकल को रखा जाएगा और इसके ऊपर परपेंडिकुलर फील्ड है, लेट इट बी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लग रही है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसके परपेंडिकुलर ऐसे डीज रखी हुई है, इस तरफ इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इस तरफ इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कौन लगा रहा है? मैग्नेट लगा रहे हैं। ये जो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पोल्स रखे थे ना, नॉर्थ और साउथ पोल रखे थे, वो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। अब जब यहां पे बीच में चार्ज पार्टिकल रखा, जैसी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ऑन करूंगा, जैसी हाई फ्रीक्वेंसी, यहां से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्टेड है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को ऑन करूंगा, ये डी डी वन है और ये डी डी टू है, ये डी टू क्या बन जाएगा? नेगेटिव, ये इस तरफ जाएगा, अंदर जाते ही सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, बाहर आ जाएगा, फिर दोबारा इस तरफ एक्सेलेरेट होगा, ऐसे एक्सेलेरेट होता हुआ एंड में क्या होगा, ये एक टारगेट से, सॉरी विंडो से निकल के टारगेट को हिट कर देगा, विंडो से निकल के टारगेट को क्या कर देगा? हिट कर देगा। इतनी बात क्लियर होगी? जब तक ये नहीं बताओगे लाइव चैट में, ये क्लियर होगा उसके बाद आगे चलूंगा। फटाफट से ये बता दो, जल्दी से एक बार बता दो भाई, थोड़ा सा गला खराब है आज, ये थोड़े से एफर्ट्स अगर मेरे डाउन रहेंगे तो उसको थोड़ा सा समझ लेना आप, ठीक है, जो रीजन है उसका गला खराब का। अगर मैं क्लास ना लेता फिर आ जाते लोग, सर आप इतने दिन क्लास नहीं लेते, आपका सिलेबस तो अगले साल जाके खत्म होएगा। अरे भाई अगले साल खत्म होएगा तो कहीं और पढ़ लेना, मैंने तेरे से कौन से पैसे लिए, ठीक है, अभी टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जल्दी से बता दो, रेडियस क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि भाई एक्सेलेरेट हो रहा है ना, जब उसकी स्पीड बढ़ रही है, आपको ये फॉर्मूला बता रखा था, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, तो भाई इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो रेडियस भी तो बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो रेडियस भी तो बढ़ेगा ना, ये बताया तो था, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल इंक्रीज, एक्सेलेरेट होगा ना एकदम उस तरफ जाएगा, हाँ ऑसिलेटर से एसी करंट आ रहा है, ऑसिलेटर से एसी करंट आ रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है सर, गुस्सा मत हुआ करो, ठीक है जी, नहीं होते कभी कभार ना, ऐसा हो जाता है, बच्चे ऐसे कमेंट करते, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा हमारे से कंट्रोल नहीं होता फिर। देखो यार मैं ये नहीं बोल रहा मैं तुम्हारे लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ या जो भी है, ये मेरा मन कर रहा है, मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ऐसी उसके अंदर, ठीक है, जिसके लिए भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे जब हम पढ़ाने आते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखा करो भी, एक टीचर को चाहिए होता है थोड़ा सा भी उसको सपोर्ट करें।
आप क्या हो गए सर, बैकग्राउंड नहीं दिख रहा, सर वाइट बैकग्राउंड ले लो, सर ब्लैक लिया हुआ है, सर ये वो कर लो, चलो ये तो नॉर्मल बात है, नहीं दिख रहा होगा बच्चों को, पसंद नहीं आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आएंगे, सर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपको ये नहीं पता आपने कब सिलेबस कंप्लीट करना है, सर आप तो मार, अभी एक आया था वो कमेंट पढ़ रहा था मैं उसका, तो चलो छोड़ो क्या कहता है, सर आपको तो पता ही नहीं आप क्या पढ़ाई जा रहे हो। तो भाई यार तुम्हारे को कमेंट करने के लिए किसने बोला पहले ये बताओ, तुम्हारे को मैंने इन्वाइट किया था या मेरे से सिग्नेचर करा के गए थे तुम, भी आओ मेरी वीडियो पे कमेंट करो, तुम्हारे बिना मेरी वीडियो अधूरी है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, कभी कभार हमें रिएक्ट करना पड़ता है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे ना तो ये ज्यादा उछलते हैं। अब देख लो सर आप बहुत बेकार पढ़ाते हैं और आपकी व्हाइट बोर्ड पर राइटिंग समझ आती थी और स्मार्ट बोर्ड पे नहीं आती, क्यों भाई बंदा चेंज हो गया क्या स्मार्ट बोर्ड आने से, यहाँ पे चेंज हो गया, तुमने नहीं पढ़ना यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ने आ रहे हैं उनको ही पढ़ाया जा रहा है, जो नहीं पढ़ते ना पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मेरे भी उस कम होएंगे ना, कोई बात नहीं, ठीक है भाई अब आपको आप जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आपने वीडियो डिसलाइक कर दियो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लगता है एक डिसलाइकर तो यही होगा रोज का, हाँ आता होगा सर आप व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हो, चलो डिसलाइक जाऊंगा, चलो डिसलाइक जाऊंगा। हाँ जब इलेक्ट्रिक, हाँ जैसे ही बाहर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो एक्सेलेट हो जाएगा, और वो एक्सेलेट हो जाएगा। चलो आ जाओ भाई छोड़ो इसको इग्नोर करो, आ जाओ इधर आओ फटाफट से। अब जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा था अभी तक क्यूरी में क्या लिखवाया, जैसे ही वो बाहर आएगा उसकी पोलैरिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, मतलब वो उसके सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, एज सून एज ये ध्यान से सुनना, एज सून एज चार्ज पार्टिकल है मूव्स आउट ऑफ डी टू हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर मेक्स, इसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर डी वन को क्या कर देगा, makes D1 negative, high frequency oscillator makes D1 negative and D2 positive, and now charge particle get accelerated towards D1, and charge particle get accelerated towards D1, gets accelerated towards D1, चलिए बहुत बढ़िया बात होगी, अब वो D1 की तरफ accelerate हो गया, and moves in a circular path, अब ये circular path में move होगा, moves in a circular path of increasing radius, अब इसका radius क्या होगा, increase होगा, move in a circular path of increasing radius, ठीक है, charge particle gain high kinetic energy and moves out of the cyclotron and hits the target। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ये टारगेट को तो हिट कर गया, जल्दी से सुनिए एक बार, हाँ बढ़िया, चलो देखो जरा इतनी बात समझ आ गई ना, और वो टारगेट को हिट कर देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर पता क्या है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा ना तो ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करना जरूरी है, अगर इसने अपनी पोलैरिटी को चेंज ना करा वो अपनी स्पीड को कम कर लेगा और एक्सेलेट नहीं होगा, अपने रेडियस को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है ध्यान से सुनना, जैसी चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा तब उसी टाइम पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, ये तभी पॉसिबल है ध्यान से सुनना, ठीक है ये चीज तभी पॉसिबल है, ध्यान से सुनिए इसको क्या लिख रहा हूं, एज सून एज चार्ज पार्टिकल moves out of the D's, the high frequency oscillator changes the polarity. The high frequency oscillator changes the polarity of the D's.
वो उसकी डी की पोलैरिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, चेंजेस द पोलैरिटी ऑफ द डीज, उन डीज की पोलैरिटी को चेंज कर देगा, एंड दिस कंडीशन, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। अगर रेजोनेंस कंप्लीट ना हुआ, अगर रेजोनेंस अचीव ना हुआ, तो ये इसको एक्सेलेरेट नहीं कर पाएगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन का रेजोनेंस कंडीशन है। जैसे ही वो बाहर आएगा, उसकी पोलैरिटी को पलट देगा, उसकी पोलैरिटी को पलट देगा, और फिर वो एक्सेलेरेट होगा, फिर दूसरे के अंदर जाएगा, वहां से घूम के बाहर आएगा, जैसे ही बाहर आएगा उसकी पोलैरिटी को पलट देगा, उसकी पोलैरिटी को पलट देगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से सुनना एक बार फिर से, बहुत बढ़िया सा पॉइंट है ये। अब रेजोनेंस कैसे अचीव होगा, रेजोनेंस ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, रेजोनेंस ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, ये साइक्लोट्रॉन का रेजोनेंस कैसे अचीव हो सकता है, कैन बी अचीव्ड इफ, अगर इफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, इफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, इफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर किसके बराबर थी, इफ आई अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर बिकम इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, बिकम इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा। थोड़ा इसमें थ्योरी ज्यादा था, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा, मैंने सारा थ्योरी मेंशन कर दिया। अब आपको रेजोनेंस के बारे में पता लग गया कि नहीं, एक बार लाइव चैट में बता दो, जल्दी से एक बार लाइव चैट में बताओ क्या आपको रेजोनेंस के बारे में पता लग गया। जैसी चार्ज पार्टिकल घूम के बाहर आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल देगा। यह कब अचीव हो सकता है, जब उसके घूमने की फ्रीक्वेंसी और उसके चेंज, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के चेंज करने की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। जल्दी से एक बार लाइव चैट में बताओ, जल्दी से बता दो एक बार। उसके घूमने की फ्रीक्वेंसी, मान लो वो एक सेकंड में 5 बार घूम के वापस आ रहा है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर उसकी फ्रीक्वेंसी को 5 बार चेंज कर रहा है, मतलब दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है, इफ बोथ आर इक्वल, तो रेजोनेंस अचीव होगा, अदरवाइज रेजोनेंस अचीव नहीं हो सकता, अदरवाइज रेजोनेंस अचीव नहीं हो सकता। कीप स्माइलिंग से, ओके। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, पोलैरिटी भाई, ये पोलैरिटी का मतलब तो ये होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी मतलब नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव पोलैरिटी मतलब नेगेटिवली चार्ज है। जोश इज वेरी हाई, नहीं आज जोश थोड़ा सा लो है, गला खराब होने की वजह से जोश थोड़ा सा लो है, और ये गला मेरा परमानेंट खराब हो चुका लगता है, ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो मुझे कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। चलिए अभी इसके बाद इसकी थ्योरी पे आते हैं, ये बात समझ आ गई ना, ये साइक्लोट्रॉन क्या काम करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करने के काम आता है, और इसके बाद कैसे एक्सेलेरेट करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन दे रखी है, इसके अंदर दो डीज होती हैं, और यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखा जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के काम आता है, बीच में एक पार्टिकल रखा जाता है, बीच में एक पार्टिकल रखा जाता है, और ये सारा एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया जाता है, वैक्यूम चैम्बर में, क्योंकि दूसरे पार्टिकल बीच में ना घुस जाए, इसलिए इसको वैक्यूम चैम्बर में किया जाता है, इसलिए इसको वैक्यूम चैम्बर में किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से सुनना, सेकंड स्लाइड में क्या लिखा था इसके अंदर, भी यहां पे एक चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, जैसी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को ऑन करेंगे, ये इस तरफ जाएगा और घूम के वापस आ जाएगा, फिर जैसी घूम के वापस आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इनकी पोलैरिटी को चेंज कर देगा, और ये इस तरफ एक्सेलेरेट होगा और इंक्रीजिंग रेडियस में मूव करेगा, इंक्रीजिंग रेडियस में मूव करेगा, एंड फाइनली चार्ज पार्टिकल गेन हाई काइनेटिक एनर्जी एंड मूव्स आउट ऑफ द साइक्लोट्रॉन एंड हिट्स द टारगेट, और टारगेट को हिट करेगा। अब ऐसा करने के लिए आपको रेजोनेंस कंडीशन अचीव करानी जरूरी है, जैसी चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, जैसी चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा वैसी फ्रीक्वेंसी को पलटना जरूरी है, अगर वो ना पलटी तो इसका मतलब रेजोनेंस नहीं आ रहा। सो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, दिस कैन बी अचीव्ड इफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर बिकम इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। चलिए अब यहां से सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए क्या चाहिए, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स,
क्या चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, देखो सर्कुलर पाथ में घुमाना है, अगर सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो हमारे को क्या चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। और अगर सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए ना, सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही है और वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड सर्कुलर सेंट्रिपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगी? क्यूवीबी। ये किसके बराबर होगी? क्यूवीबी। और ये सेंट्रिपिटल फोर्स एमवी स्क्वायर अपॉन आर प्रोवाइड करेगी। यहां पे साइन थीटा क्यों नहीं आया? क्योंकि ये परपेंडिकुलर फील्ड है। यहां से वी से वी कैंसिल आउट हो गया, तो रेडियस किसके बराबर आएगा? इसका एम वी अपॉन क्यू बी। इसका रेडियस किसके बराबर होगा? एम वी अपॉन क्यू बी। और बात रहेगी इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना हो तो टू पाई आर अपॉन वी। और इस वी की आर की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। आर की वैल्यू क्या है? एम वी अपॉन क्यू बी। और ये क्या आ गया? वी आ गया। यहां से वी कैंसिल आउट कर दिया। टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया? टू पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया? टू पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड किसके बराबर हुआ? टू पाई एम अपॉन क्यू बी। इसके बाद रहेगी बात फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? वन अपॉन टाइम पीरियड। सो दिस विल बिकम इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू पाई एम, क्यू बी अपॉन टू पाई एम। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? क्यू बी अपॉन टू पाई एम, क्यू बी अपॉन टू पाई एम। भाई प्रिंसिपल यही है, इसका प्रिंसिपल सिंपल सा यही है भी, ये क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके चार्ज पार्टिकल को एक्सिलेट कराता है। अगर मैंने प्रिंसिपल नहीं लिखवाया तो लिख लो इसका प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल लिख लो, अगर प्रिंसिपल भूल गए तो ठीक है, प्रिंसिपल भूल गए तो ध्यान से लिख लेना इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनना। अ चार्ज पार्टिकल कैन गेन हाई काइनेटिक एनर्जी, कैन गेन हाई काइनेटिक एनर्जी, ये हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इफ इट इज मेड टू क्रॉस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर उसको हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार घुमाते रहेंगे, अगेन एंड अगेन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कैसे कर सकते हैं? दिस कैन बी डन बाय यूजिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। आप परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके उसको सर्कुलर पाथ में घुमा के दोबारा से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस ले आओगे, और दोबारा से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस ले आओगे, फिर वो वेलोसिटी गेन कर लेगा। नेगेटिव चार्ज पे क्यों वर्क नहीं करेगा ये बता देता हूं, फिलहाल के लिए इसको नोट करो और ये बताओ लाइव चैट में यहां तक समझ आ गया? एक चार्ज पार्टिकल को बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाना है, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार कैसे ला सकते हो? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगी और वापस ले आएगी, और वापस उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने से वो दोबारा एक्सेलेरेट होगा और दोबारा एनर्जी गेन करेगा, फिर घूम के वापस आ जाएगा। ये अनुमित कौर आप तो समझ रहे हो, बाकी बच्चे नहीं समझते, कोई बात नहीं, आज ये टॉपिक करा के इसको खत्म करते हैं, बाकी बाद में करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन बता देते हैं भाई, ये एक बार अभय प्रताप सिंह वेट कर लो, 2 मिनट बता देते हैं, यूजेस बता देंगे। सर प्लीज टेक वन मोर लेक्चर, भाई मेरे हालात भी देख ले, बोला तो जान ही रहा, एक लेक्चर और कैसे ले लूंगा मैं। चलो बढ़िया बात, क्लियर है, आ गया ना समझ? तो अब देखो, अब इसकी लिमिटेशन की तरफ आते हैं। रेजोनेंस समझना जरूरी है, जिसको रेजोनेंस समझ आ गया ना वो साइक्लोट्रॉन समझेगा। रेजोनेंस का मतलब क्या है? जैसी चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, मान लो आपने इस ऑपरेटर्स को सेट कर दिया, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर फिक्स कर दिया,
इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। और आपने इसके बीच में इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन रख दिया। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन रखा ना, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³। इसका मतलब 10,000 times कम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 times द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो वहां पे पावर आती है 10⁻²। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻²। अगर मैं पावर को कंपेयर करूं तो 4 जीरो ज्यादा है, 4 जीरो ज्यादा, तो मतलब 10,000 गुना ज्यादा है। अगर मास बढ़ा देता हूं, आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है qb/2πm, qb/2πm। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसका मतलब वो बहुत जल्दी घूम के वापस आ जाएगा। अगर बहुत जल्दी घूम के वापस आ गया तो इतना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए साइक्लोट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेट नहीं करा सकते, साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलेट नहीं करा सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन बी कैन नॉट बी एक्सेलेटेड, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलेटेड, कैन नॉट बी एक्सेलेटेड थ्रू अ साइक्लोट्रॉन, कैन नॉट बी एक्सेलेटेड थ्रू अ साइक्लोट्रॉन। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों इसको मैं एक्सेलेट नहीं करा सकता, बिकॉज एज एज इलेक्ट्रॉन प्लेज इन बिटवीन द टू डीज, इट विल गेन हाई काइनेटिक एनर्जी, इट विल गेन हाई एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी हाई, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी हाई ड्यू टू लेस मास। अब ये कह सकते हो इसका मास कम होने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये रेजोनेंस से बाहर आ जाएगा, एंड इट विल मूव आउट ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, ड्यू टू लेस मास, ड्यू टू लेस मास, ठीक है, इसका मास कम होने की वजह से इट विल गेन एंड हाई फ्रीक्वेंसी, लेस मास एंड हाई फ्रीक्वेंसी, उस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से द इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ द रेजोनेंस, द इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ द रेजोनेंस, वो रेजोनेंस से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और अगर रेजोनेंस से बाहर आ गए तो ये उसको एक्सेलेट नहीं करा पाएगा, ये उसको एक्सेलेट नहीं करा पाएगा। जल्दी से एक बार लाइव चैट में बता दो क्या ये चीज समझ आ गई, भी साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेट क्यों नहीं कराते। जल्दी से बता दो एक बार, क्या इतनी बात समझ आ गई भी साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेट क्यों नहीं कराते, साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेट क्यों नहीं कराते। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब इसके बाद, न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलेटेड थ्रू साइक्लोट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलेटेड थ्रू साइक्लोट्रॉन, कैन नॉट बी एक्सेलेटेड थ्रू साइक्लोट्रॉन, कैन नॉट बी एक्सेलेटेड थ्रू साइक्लोट्रॉन। अब इसका रीजन तो पता होगा, इसका रीजन तो पता होगा कि हम साइक्लोट्रॉन से इसको एक्सेलेट क्यों नहीं करा सकते, कैन नॉट बी एक्सेलेट थ्रू साइक्लोट्रॉन। इसका रीजन क्या है, बिकॉज बिकॉज न्यूट्रॉन्स इज अ चार्जलेस पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स इज अ चार्जलेस पार्टिकल, ये चार्जलेस पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स आर दी चार्जलेस पार्टिकल। न्यूट्रॉन्स है तो आर लगा लो यार, कहीं पे यहां इंग्लिश चेक ना करने लग जाओ। न्यूट्रॉन्स आर दी चार्जलेस पार्टिकल, ये चार्जलेस पार्टिकल है, ये एक्सेलेट नहीं होंगे, और एक्सेलेट नहीं होंगे क्योंकि एक्सेलेट कराने के लिए चार्ज होना चाहिए। एक्सेलेट कराने के लिए चार्ज होना चाहिए। एक बार दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, मास कम होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वो एकदम से मूव करता है, इसके मतलब बहुत जल्दी से घूमता है, और इतनी जल्दी से घूमने के लिए हमारे को पोलैरिटी बहुत जल्दी चेंज करनी पड़ेगी, और एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यूज करना पड़ेगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन से एक्सेलेट नहीं हो सकती। और न्यूट्रॉन क्यों नहीं होते, न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं होते, क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं होता, चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, चार्जलेस पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलेट नहीं करा सकते। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट, ये इसकी लिमिटेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी, सॉरी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है? तो सर की, मैं आइंस्टाइन सर की रिलेटिविटी थ्योरी क्या बोलती है? एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर उनकी वेलोसिटी बढ़ी उनका डिनोमिनेटर कम होगा, और अगर उनका डिनोमिनेटर कम होगा तो मतलब उसका मास बढ़ जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर मैं उसकी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, वेलोसिटी बढ़ाने से उसका मास बढ़ेगा, उसका मास बढ़ेगा। अगर उसका मास बढ़ा उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, एंड द चार्ज पार्टिकल, बार बार पता नहीं क्यों इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, एंड द चार्ज पार्टिकल विल मूव आउट ऑफ द रेजोनेंस, एंड चार्ज पार्टिकल मूव आउट ऑफ द रेजोनेंस, वो रेजोनेंस से बाहर आ जाएगा, एंड चार्ज पार्टिकल मूव आउट ऑफ द रेजोनेंस, और वो रेजोनेंस से बाहर आ जाएगा और वो एक्सिलेट नहीं होगा। तो इतना आसान नहीं है उसको एक्सिलेट कराना। चार्ज पार्टिकल को एक्सिलेट कराने के लिए आपको ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज करनी पड़ेगी, और वो चेंज किस हिसाब से करोगे? आपको कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, आपको कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। चलिए, बहुत बढ़िया से बताया आपको भी, अगर एक चार्ज पार्टिकल, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने पढ़ा था, ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक प्रिंसिपल था, दैट एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये एम नॉट क्या? रेस्ट मास। एम नॉट क्या? रेस्ट मास। एम क्या? फाइनल मास, जब वो मूविंग मास, जब वो मूव कर रहा होगा तब का मास। वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से डिनोमिनेटर कम होगा और इसका मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आउट ऑफ द रेजोनेंस चला जाएगा, आउट ऑफ द रेजोनेंस चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसकी तीन लिमिटेशन होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सिलेट नहीं करता और न्यूट्रॉन्स को एक्सिलेट नहीं करता। तीसरी बात, जब ये एक्सिलेट होगा इसको एक्सिलेट कराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक्सिलेट कराने के बाद जब आप इसकी वेलोसिटी बढ़ाओगे, इसका मास बढ़ने से इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आपको कंटिन्यूअसली हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एक्सिलेट दैट चार्ज पार्टिकल, आप उस चार्ज पार्टिकल को एक्सिलेट करा पाओ। भाई रेजोनेंस का मतलब समझते हो ना, जितनी जल्दी वो बाहर आएगा, जितनी जल्दी, अगर एक चार्ज पार्टिकल पांच बार घूम रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पांच बार चेंज होगी। मान लो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर तो पांच बार घूम रहा है, अपनी फ्रीक्वेंसी उसकी पांच है, मतलब पांच बार पोलैरिटी को चेंज कर रहा है एक सेकंड में, लेकिन चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कम होगी, वो बाहर ही दो बार आया, वो दो बार बाहर आया, तो भाई ये ऐसे काम नहीं चलने वाला। जितनी बार चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा उतनी बार उसकी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए, उतनी बार उसकी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब इसका यूजेस, अब इसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशन नहीं है इसकी, इसके यूजेस पढ़ेंगे आज हमने। क्या पढ़ना है? इसके यूजेस पढ़ने हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के काम आता है। देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन पता है कैसे कराई जाती है? आपको पता है ना न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती है? बाय बम्बार्डिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर एक चार्ज पार्टिकल को बम्बार्ड कराने के लिए। और वो बम्बार्डिंग कैसे होती है? जब एक चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी से उसको स्ट्राइक करेगा, वो हाई वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल कहां से लाओगे? उठाएंगे चार्ज पार्टिकल हाथ में और ऐसे फेंक देंगे, ऐसे होगा ना? नहीं, वो साइक्लोट्रॉन से एक्सिलेट करा जाएगा। एक चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन से एक्सिलेट कराएंगे और उसको न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे, दैट इज कॉल्ड बम्बार्डिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन अ न्यूक्लियस फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या कराना होगा? न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज। मान लो आपको ये पता है सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग की जाती है, डोपिंग की जाती है मतलब वहां पे कुछ फॉरेन एटम ऐड किए जाते हैं लैटिस साइड के ऊपर, लैटिस साइड के ऊपर। डेरिवेशन नहीं करनी, डेरिवेशन नहीं करनी आपने इसकी, देयर इज नो नीड ऑफ डेरिवेशन। जो सीबीएसई वाले हैं उनको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, उनको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, इट इज यूज्ड टू इम्प्लांट, इट इज यूज्ड टू इम्प्लांट आयंस एंड सॉलिड, सॉलिड्स के अंदर आयंस भेजने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं, सॉलिड के अंदर आयंस भेजने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं, क्लियर? चलिए भाई, ये इसके यूजेस हो गए। अब इससे ज्यादा मेरे पास हिम्मत नहीं है इस क्लास को आगे कंटिन्यू रखने की, सो बाकी क्लास कल कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच, इफ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन, अदरवाइज यार बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं अकेला काम नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं।
अगर मुझे आप मुझसे जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं तो यार जेन्युइनली यहाँ पे रुके रहिए, अदरवाइज यार मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। अगर आप नेगेटिव कमेंट करोगे तो यार मैं, मेरा खून ऐसा है मैं सुन नहीं सकता, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। चलिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, और थैंक यू।